अब करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है देखो, एक सेकंड, सबको म्यूट भी कर दें। ठीक है, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे उसने यूज किया है साइन वन और साइन वन डिग्री। देखो, एक दिया हुआ है वन और एक दिया हुआ है वन डिग्री, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? वन अगर लिखा होता है उसके ऊपर सर्कल को बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं? रेडियन। क्या लेते हैं? रेडियन। अब वन रेडियन लगभग कितना होता है? वन रेडियन लगभग होता है कितना? 57 डिग्री के। वन रेडियन कितना होता है? लगभग 50 डिग्री के। तो एक जगह तो उसने वन डिग्री वैसे यूज किया था और एक जगह सिंपल वन यूज किया है। अगर वन के ऊपर कुछ भी नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वन रेडियन। क्या? वन रेडियन। तो वन रेडियन क्या हो गया? वन रेडियन हो गया आपका 57 डिग्री, और दूसरा तो सिंपल ही क्या है? वन डिग्री। दूसरा क्या है? वन डिग्री। अब बताओ, साइन वन बड़ा है या साइन वन डिग्री बड़ा है, या ये दोनों बराबर हैं, या फिर साइन वन बड़ा होता है साइन वन डिग्री से? अब ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ देखो। ग्राफ गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। 0 हो गया और 90 डिग्री हो गया। अब खुद सोचो, 1 डिग्री पर होगा और 57 डिग्री यहाँ पर होगा। 57 डिग्री पे आंसर साइन का बड़ा आ रहा होगा और 1 डिग्री पे साइन का आंसर छोटा आ रहा होगा। तो पक्की बात है कि साइन 1 डिग्री, पक्की है कि साइन 1 डिग्री विल बी ग्रेटर देन साइन, सॉरी, साइन 1 रेडियन विल बी ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। बताओ, बात समझ आई? यस और नो? सिंपल सी बात, अगर ट्रिग्नोमेट्री का साइन का ग्राफ ही बना लो, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जितना छोटा एंगल उसमें साइन छोटा होता है। 1 डिग्री पे कम आंसर आएगा, 57 डिग्री पे ज्यादा आंसर आएगा। तो साइन 57 डिग्री पे ये वाली वैल्यू आ रही है और साइन 1 डिग्री पे ये वैल्यू आ रही है, तो कौन बड़ा होगा? ठीक है, साइन 1 डिग्री विल बी स्मॉलर देन साइन 1 रेडियन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद जो डाउट पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था मेरे से। मैं बारी एंड में सारे क्वेश्चंस भी कवर कर लूंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, टेंशन मत लो, अभी कुछ पूछना मत। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या कह रहा है कि टेन ए प्लस कितना है? 4। चैट पे रिस्पॉन्स मत दो यार, बार बार एक बार मेरे को क्वेश्चन क्लियर करने दो। टेन ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 4 है। क्या कह रहे हैं कि टेन की पावर 4 है प्लस कोट की पावर 4 लेके आना है। अब देखो, टेन दिया हुआ है, टेन प्लस कोट कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और आपको ऑब्टेन क्या करना है? टेन की पावर 4 प्लस कोट की पावर 4 प्लस कोट की पावर 4। ये कैसे ऑब्टेन हो सकता है? अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? देखो, टी स्क्वायर कोट स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2 टेन कोट। सही बात है ना? ए प्लस का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी। और राइट साइड में कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। अब टेन और कोट आपस में कट सकते हैं, क्योंकि टेन इज इक्वल टू 1 बाय कोट होता है, तो से 1 बाय कोट कट जाएगा, तो ये आ गया 2। इससे क्या मिला अपने को? टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 2 चल जाएगा राइट में ना, 2 चल जाएगा राइट में, तो कितना मिल जाएगा? 14। अब फिर से देखो, हमें चाहिए कितना? पावर 4, पावर 4। अब फिर से क्या, यहाँ पे तो पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, फिर से क्या स्क्वेयर करूंगा? स्क्वेयर करूंगा तो क्या बचेगा? अब यहाँ से आ जाएगा टी 4, फिर क्या आ जाएगा? सी 4। सही बात है, फिर क्या आएगा? 2 टाइम्स टी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सॉरी, इंटू सी स्क्वेयर और इक्वल टू समथिंग। फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी टी 4 प्लस सी 4 की। यही चाहिए था, बताओ समझ आया? यस और नो? अच्छा, कल को क्वेश्चन ऐसा भी आता था कि यहाँ पे वो यूज करता साइन साइन प्लस कोसिकेंट। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर साइन प्लस कोसिकेंट होता तो साइन और कोसिकेंट भी सीकेंट यूज करता, तो कोस और सीकेंट भी रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। फायदा क्या हो रहा है कि टैन कोट को कैंसिल कर रहा है, टैन कोट को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे भी टैन कोट को कैंसिल किया, यहाँ पे टी स्क्वायर ने कोट स्क्वायर को कैंसिल किया। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन एक दूसरे को कैंसिल करता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार दिखेंगे कि लेफ्ट में दिया होगा आपको साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 16, कुछ और पूछ रहा होगा, तो दिमाग में रखो, जब स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर तो हो जाएगा, साथ में साइन और कोसेकेंट एक दूसरे को कैंसिल करने लग जाएंगे। तो ये चीजें दिमाग में आपको बिठानी है, ठीक है? ये चीजें ही इंपॉर्टेंट है पेपर में एकदम स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है? वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो मेन डाउट था, पहले वो वाले डाउट जो सारों के कॉमन डाउट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत जनता ने डाउट भेजा मेरे को। अब देखो करना क्या है,
ये एक रिलेशन दिया हुआ है यूज करेंगे, ये एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। अब ऑब्जर्व करने की देखो क्या है, देखो जिसका हो गया फिर भी एक बार सुन लो, क्योंकि काफी का डाउट था इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसका यूज किया जाएगा और इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, और ऑब्जर्व करने का तरीको, ऑप्शन में सारे आंसर बी में है, किसमें, बी में, ए में नहीं है, ए में नहीं है, किसमें, बी में, ठीक है। अब करने का तरीका क्या है, एन ए माइनस बी वाले को आप क्या बोलोगे, इसको एक्सपेंड करोगे और ए को बी में रिप्लेस करते रहोगे, ए को बी में रिप्लेस करते रहोगे, क्योंकि आंसर सारे बी में दे रखे हैं। क्या करोगे, ए से बी में लाने के इसको यूज करोगे, क्योंकि ए से लेके बी में दिख रहा है अपने को, तो यही प्रोसेस है। यहाँ पे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, आंसर बी तक लेके जाना है। आंसर बी तक कैसे लेके जाएंगे, कि ए बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन दे रखा है। इसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ फटाफट और आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसका, ये देखो ये चीज दे रखी थी मैंने, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये सबको पता ही है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब क्या करना है, इस टेन ए को हटाना है और इस टेन ए को हटाना है, क्यों, आंसर सारे बी में दे रखे थे। इस टेन ए को कैसे हटाऊंगा, इस टेन ए को कैसे हटाऊंगा, इसको यूज करके हटाऊंगा, क्योंकि ये ए का बी में दे रखा है, ए का बी में दे रखा है, इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि सारे आंसर बी में चाहिए, तो ए को बी में बदल देंगे। कैसे बदलना, देखो मैंने पहले ऊपर बदल दिया फिर नीचे बदल दिया बाद में, ये देखो इस टेन ए की जगह मैंने वो रिलेशन पुट कर दिया जो दे रखा था, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ए का टू घट जाएगा एक से, ठीक है। ऊपर क्या बचा, टेन बी प्लस कोट बी, नीचे क्या है, वन टेन ए टेन बी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, टेन ए निबत है, टेन ए को हटाएंगे, हटा लेते हैं, देखो कैसे हटाएंगे। देखो पहले तो मैंने क्या किया, इस टेन बी, ये कोट बी था ना, कोट बी को भी वन बाय टेन बी लिख दिया, ठीक है, सारे टेन टेन में ले आया। फिर क्या किया मैंने, फिर इस यहाँ पे वन था ना, हाँ ये वन भी है यहाँ पे, वन प्लस इस की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी सॉरी नहीं, हाँ जब इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर भी ऊपर बनेगा, टेन, भाई पारस एक बार बार मत लिखो, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुमने बोला है कि क्वेश्चन कराना, मैं करा दूंगा, बार बार मत लिखो, चैट का इनबॉक्स मत भरो। देखो ध्यान से, ये टेन बी का एलसीएम होगा तो ऊपर क्या आएगा, टेन स्क्वायर भी वन ये बचेगा, और ये टेन बी जो नीचे वाला एलसीएम था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेन बी, ठीक है, साथ में वन प्लस टेन ए टेन बी आपको यहाँ पे दिख ही रहा है ये वाली चीज। अब क्या करूंगा, इस टेन ए को रिप्लेस कर, गिवन चीज थी उसकी हेल्प से, जब इस टेन ए को रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये मैंने पुट कर दिया, वो टेन ए की जगह जो गिवन चीज की टर्म्स में लिख दी, और अंदर वाली सारी चीज को मैंने एक्सपेंड कर दिया। ये टेन बी को तो यहीं पे लिखा रहने दिया, ये वन को अलग से रखा, ये टू टेन बी, ये टू टेन बी इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देगा, टू टेन स्क्वायर भी देगा, ये कोट बी टेन बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, वन देगा, सही बात है। उसके बाद तो क्या होगा, ऊपर तो टेन स्क्वायर बी बचेगा, नीचे टेन बी था, यहाँ पे क्या है, ये वन है और ये वन है, ये कितना हो जाएगा, वन और वन टू, और यहाँ पर भी तो टू कॉमन आ जाएगा, टू मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ से टेन बी लिया, ये टेन बी आ गया, यहाँ पे टेन स्क्वायर बी प्लस वन बचा, और ये ऊपर भी था ये कट गया, यहाँ से टू कट गया, क्या बच गया, कोट बी, क्या बच गया, कोट बी। बताओ बात समझ आई, फंडामेंटल क्या था इस क्वेश्चन का, फंडामेंटल ये था कि ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सारी किसमें दे रखी थी, ऑप्शन किसमें दे रखी थी, बी वाले एंगल में, किसमें, बी वाले एंगल में, ठीक बात है। तो हमारी जो गिवन डेटा था उसका हम यूज करते हुए सारी चीज को बी में ले आएंगे और आगे यूज करते रहेंगे। देखो आगे तो बेसिकली एलजेब्रा ही यूज हुआ है, तरीका क्या था, जो चीज हमें चाहिए उसका यूज करो। देखो लास्ट स्टेप में दिक्कत है, ये वाला चीज था क्या, ये वन और ये वन, ये वन और वन कितना हो जाएगा, टू, यहाँ पर भी कितना है, टू, तो टू प्लस टू टेन स्क्वायर भी आना था, तो टू कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से, ये वन और वन को मिला के तो टू कॉमन निकाल दिया, टू कॉमन निकाला तो क्या बचा, टेन स्क्वायर बी प्लस वन, क्या बचा, टेन स्क्वायर बी प्लस वन, सही बात है, टेन स्क्वायर बी प्लस वन, तो टेन स्क्वायर बी प्लस वन और टेन स्क्वायर बी प्लस जाएगा, और ये टू और ये टू कट जाएगा, टेन बी से क्या बचेगा, कोट बी, क्लियर। वंशिका और अद्यंत आपको डाउट था, क्लियर हो गया, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। पारस जो क्वेश्चन रह गया है उसको बाद में देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप पे तो फॉर्मूला लगाया टू टेन ए माइनस बी का, यहाँ पे तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया था ना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, फिर टेन ए का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, वाली वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर भी टेन ए को पुट कर दो, आगे सोल्व करते रहो, बस काम खत्म,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारस चावला, एक सेकंड में बता दूंगा, तू टेंशन मत ले, एंड में नाइन्थ को कवर करूंगा, पहले कॉमन वाले डाउट्स ले रहा हूँ, सारे कवर होंगे, तू घबरा मत, मोटे मोटे डाउट्स लेने दे मेरे को, जो सारों के रखे पहले, फिर इंडिविजुअल वाले लूंगा, ठीक है पारस चावला, सब हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जनता का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 14 जनता का डाउट है, तो पहले जनता की मांग पूरी हो जाएगी ना सारों की, ताकि सबको संतुष्टि मिल जाए कि सबके डाउट, फिर बची हुई चीज बाहर करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है साफ साफ, देखो ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पर भी इसको सी हो, यहाँ पे डी मान लो तो टेन सी प्लस डी का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्मूले यूज होंगे तो कैसे यूज होंगे उसको डिस्कस करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला यूज करा देते हैं आपको, हाँ ये देखो, अच्छा आप ध्यान से बात सुनना, मैं टेन एक्स है ना, जो टेन एक्स, इसको बार बार टेन एक्स लिखने की जगह क्या लिखूंगा, टी एक्स, क्या लिखूंगा टी एक्स, टाइम बच रहा है मेरा भी, टेबल बढ़ा सकते हो आपकी मर्जी है, पूरा लिखना पूरा लिखा करो, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, टी एक्स आ गया, फिर सीकेंट और साइन में ध्यान रखना मिक्स हो जाएगा, सीकेंट एस होता है साइन भी एस होता है, तो उसको सीकेंट लिख लिया करो, उसको क्या लिख लिया करो सीकेंट, टेन हो तो टेन एक्स लिख लिया करो, टाइम बचता है, तो मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे ही किया, देखो इस टेन एक्स को क्या लिख दिया टी एक्स, ठीक है, फिर क्या हुआ बाकी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो, रफ में करने के लिए तो बिल्कुल ठीक तरीका होता है ये करने का। उसके बाद देखो ठीक है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा, ये भी ए प्लस बी पर, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू थ्री, इतना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है मुझे, टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू पता है कितनी होती है, टेन थ्री कितना होता है, टेन पाई बाई थ्री रूट थ्री, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रूट थ्री, इस वाले की जगह भी क्या कर दिया, ये भी पाई बाई थ्री है, इस पाई बाई थ्री की जगह भी क्या कर दिया रूट थ्री, ये यहाँ पे पुट कर दिया। सिमिलरली टेन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, टेन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, नाइन्टी प्लस थर्टी, टेन नाइन्टी प्लस थर्टी, टेन नाइन्टी प्लस थर्टी कितना होता है माइनस फोर थर्टी, कितना होता है माइनस फोर थर्टी, ये कितना आ जाएगा माइनस रूट थ्री, कितना आ जाएगा माइनस रूट थ्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू लिख दी माइनस रूट थ्री, और यहाँ पे भी लिख दी टेन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू, देखो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस रूट थ्री आएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। कर्तव्य, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, वीडियो मिलेगी, सब मिलेगा, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, हर क्लास के बाद मैं सब कुछ प्रोवाइड करता ही हूँ हमेशा, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करना है मुझे, एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। अब देखो तरीका है, इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे जाने का तरीके बहुत सारे लोग कैसा भी अपना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं पूरे का एलसीएम लेके इसको भी इन्वॉल्व करो, मैं क्या कर रहा हूँ इसको अलग रख रहा हूँ पहले, इसको अलग रख रहा हूँ, इन दोनों को हैंडल कर रहा हूँ, ताकि दो की मुसीबत को मैंने पहले सोल्व कर लूँ, तीसरे को तो बाद में निपट लेंगे, ये तो सिंपल सेट है टेन एक्स, तो पहले यहीं पे टाइम बचता है, इस स्टेप के बाद इस स्टेप में ही टाइम बचाना है, अगर आप ओवरऑल एलसीएम लेके इसके साथ भी खेलने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर ये है कि आप इन दोनों को सोल्व कर लो, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इसमें ऐड करना, क्योंकि ये बेचारा तो शरीफ सा है, टी की टी एक्स दे रखा है यहाँ पे, इसको क्यों ही अभी इन्वॉल्व करें, ये जो खतरनाक चीजें दे रखी हैं इनको करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, उसमें टी एक्स ही तो जोड़ना है, जोड़ते रहेंगे, पहली टी एक्स को लेके चल लेंगे तो ऐसी फालतू में हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अब क्या करना है, अब आपका थोड़ा दिमाग लगेगा, दिमाग नहीं मदद लगेगी, एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे वाले का, इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दिया, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि अब मेहनत नहीं है, मेहनत जो थी वो हो चुकी है, कॉन्सेप्ट जो लगना तो लग चुका है, आगे तो एलजेब्रा है नाइन टेंथ वाला। अब क्या है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके खोल खोल दिया, ये आप भी खोल सकते, कुछ कर सकते हो आप लोग, ये वाला मल्टीप्लाई करके ऊपर जब मैंने किया तो क्या दिखा मेरे को, माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कटता हुआ दिख रहा है, माइनस रूट थ्री टी एक्स स्क्वायर से रूट थ्री टी एक्स कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बचा तीन और एक चार, एक और तीन चार, चार आठ, आठ टेन एक्स बचा, क्या बचा आठ टेन एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो आपको दिख ही रहा है ये चीज बची है वन माइनस थ्री टेन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये शरीफ था और ये दो जो खतरनाक चीजें थी, ये दो खतरनाक चीजें मिलकर ये भी शरीफ टाइप बन गई, देखो छोटी सी बन गई, अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है ना, खतरनाक में शरीफ को नहीं भेजना, शरीफ में शरीफ के साथ ही जोड़ो, खतरनाक में खतरनाक जोड़ो। अब देखो ये अब दोनों को ऐड कर दो, अब इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे
बेसिक अलजेब्रा, कुछ भी यूज नहीं करना, इसमें कोई दिमाग नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सोल्यूशन। यहाँ जहाँ दिमाग लगेगा वो सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे दिमाग नहीं लगेगा वहां प्रोसेस मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो टी एक्स और वन मिलकर टी एक्स, थ्री टी एक्स स्क्वायर, टी एक्स के साथ मिलकर माइनस थ्री टी एक्स क्यूब, और ये एट टी एक्स तो बचा ही, एट टी एक्स यहाँ पे बचा, डिनोमिनेटर ये दिख ही रहा है आपको, ये चीज आ गई। इसके बाद सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, ये चीज आ गई और नीचे आ गई ये, और ये सारी दुनिया जानती है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan 3x का, होता है tan 3x का, तो tan 3x कितना देगा 1। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखी थी जो गिवन चीज है उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी ऑप्शन ठीक है, तो वो ऑप्शन ठीक है जहाँ पे tan 3x इक्वल टू 1। समझ आया तो चैट पे लिख दो यस, नहीं आया तो नो, रिपीट करना है तो रिपीट। बहुत बढ़िया, ठीक है, वीडियो दोबारा मिलेगी, किसी को समझ नहीं आया तो नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में तो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, तो इसलिए लास्ट स्टेप ये है, ऊपर वाली चीज को सिंपलीफाई किया तो यहाँ पे पहुंच गए, और ये चीज हमें tan 3 ऐसा फॉर्मूला, अगर tan 3 ऐसा फॉर्मूला याद है तो कर पाओगे, अगर नहीं याद तो नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपकी पहली क्लास में आपको फॉर्मूला शीट आपको बनाने के लिए बोली गई थी ना, तो फॉर्मूले बने होने चाहिए आपके पास, और ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी चीज है बिना फॉर्मूले के आगे बढ़ती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखो, अब फिर से ऑप्शन का खेल है। ऑप्शन में क्या देखो, यहाँ पे 36 दिख रहा है, यहाँ पे 36 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो आपका मन कर रहा होगा फॉर्मूला लगाया जाए, कौन सा साइन सी साइन डी का लगा दिया जाए, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेके यहाँ पर भी लगा दिया जाए। अब लगाने से पहले सबसे बड़ी चीज होती है, आपको पता है जब साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं तो क्या होता है, प्लस डी बाई टू होता है, क्या होता है, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, ये दो चीजें होती हैं। आप लगाने से पहले खुद ही ऑब्जर्व करो कि क्या सेम एंगल मिल पाएगा फॉर्मूला लगाने, सेम एंगल से मेरा मतलब देखो, ये 47 और 61 जब माइनस होंगे तो कितना देंगे, 14 बाई टू कितना होगा 7, 14 बाई टू कितना होगा 7। सिमिलरली जब 11 और 25 मिलेंगे तो एक बार सी माइनस डी इनमें भी लगेगा, तो 11 और 25 कितना होगा 14, 14 बाई टू कितना होगा 7, तो दो जगह एंगल सेम आ रहे 7, तो इनको कंबाइन कर सकते हो बहुत प्यार से। कैसे, आप इन दोनों को कंबाइन करो, क्योंकि ये भी एक 7 डिग्री देंगे और ये दोनों भी 7 डिग्री देंगे, जब ये दोनों 7 डिग्री दे रहे हैं तो डिग्री वाली टर्म कॉमन आ सकेगी, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। अगर आप कहते हो कि भाई मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा और इन दोनों को कंबाइन करूंगा, देखो इन दोनों से भी देखो कोई एंगल कॉमन आ रहा है क्या, पहले वो कर लो, अगर एंगल कॉमन आ रहा है तो वो वाला तरीका अपनाना चाहिए, अगर एंगल दोनों में अलग अलग आ रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी। तो कंबाइन करने से पहले ऑब्जर्व करो, कंबाइन करने से पहले ऑब्जर्व करो कि भाई हाँ एंगल सेम बन रहे हैं कि नहीं। अब ध्यान से देखो, मैंने कंबाइन किया कैसे किया वो देखते हैं। ये देखो, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, अगर इन दोनों का माइनस कॉमन को बाहर माइनस आ जाएगा अंदर प्लस आ जाएगा, सही बात है। तो क्या करना है, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, यहाँ का माइनस तो उठाई, अंदर भी लगा दिया 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, पहले स्टेप में देखो कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये देखो 47 plus 61 कितना होगा 108, 108 by 2 कितना 54, अब आपको पता है cos minus theta, cos minus कितना होता है cos theta होता है, कितना होता है cos theta होता है, cos minus theta is cos theta, तो कोई टेंशन नहीं, अंदर 47 माइनस 61 कितना बन रहा है माइनस 14 बाई 2 माइनस 7, माइनस की कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा, तो डायरेक्टली लिखा इसको cos 7, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अपनी, यहाँ माइनस का माइनस लिखा तो ये 2 आया, ये फिर 25 प्लस 1 11 कितना होता है 36, 36 बाई 2 कितना 18, अगेन 11 माइनस 25 14, 14 बाई 2 7 cos 7, ठीक है। हाँ धूप कंबाइन कर सकते हैं, उनको भी कंबाइन कर सकते हैं, दो तरीके से कॉम्बिनेशन इसमें बन सकता था, एक कॉम्बिनेशन से मैंने किया, दूसरा कॉम्बिनेशन से भी हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, उसे भी कर सकते हो, तो ये चीज आ गई।
उसके बाद यहाँ से टू कॉमन आ रहे हैं और यहाँ से क्या लगेगा कोस सेवन और वन कॉमन आ रहेगा, ठीक है। टू कोस सेवन आ गया, बहुत सही, टू कोस सेवन आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन सी माइनस साइन डी। अब क्या लगेगा, साइन सी साइन डी लगेगा। अब जब साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जनता जानती है कि टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे सी माइनस डी होता है और यहाँ पे सी प्लस डी होता है, वो लगा दिया मैंने। अब इसमें मैं लिख के देखो यहाँ पे लिख मैंने अगर, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है आपके सामने, ये तो फॉर्मूला बेस्ड चीज है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे यूज करना है, ठीक है। लिखी हुई चीज का कोई टेंशन नहीं। अभी कितना हो जाएगा 54 प्लस 18 कितना 36 बाय 2, सॉरी 72 बाय 2 कितना 36 और यहाँ पे 18। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पे मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। किसकी, मेमोरी की। मेमोरी आपको क्या याद रखना है, कोस 36 की वैल्यू, कोस 36 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और साइन 18 की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो पेपर में क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। कोस 36 कितना होता है, रूट फाइव माइनस वन बाय फोर आपको करवाई होगी, रूट फाइव माइनस वन बाय फोर। सिमिलरली साइन 18 होता है रूट फाइव वन बाय फोर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको और भी कराई होंगी वैल्यूज, साइन 18 की कराई होगी, कोट 72 की कराई होगी, ये सारी वैल्यूज आप याद रखोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के लिए नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, और भी बहुत सारे चैप्टर करोगे। अच्छा, अगर अभी नहीं कराई तो अभी हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो अभी हो जाएगी वो, क्योंकि वो शायद एंड में किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के, अभी ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म ना तो वो भी कवर हो जाएगी, ठीक है। आखिरी टॉपिक होता है ये, अभी हो जाएगा, अगर नहीं करवाई तो हो जाएगा, अगर करवा दिया तो याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे याद करने पड़ेंगे सर, ये क्या है, ऐसे याद करने पड़ेंगे सर ये, भाई पारस चावला कुछ चीज, अब भाई मुझे बता तू साइन सी प्लस साइन डी आएगा उसका फॉर्मूला तू जब लिखता है तो याद नहीं करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो याद ही करना है। अब सिमिलरली तू देखो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू हाफ है, वो तेरे को याद है। सिमिलरली अब तू जब 11th में आ गया है, अरे नहीं भाई कोस 37 वगैरह की वैल्यू मत याद रखो, ये फिजिक्स में यूज होंगी आपकी, साइन 53 कोस 37, 3/5 या 2/5 होता है। निकालने का तरीका भी क्लास में होगा, अगर नहीं हुआ है ना हो जाएगा, उसके अंदर 5 थीटा को लेट करा जाता है, 5 थीटा इज इक्वल टू 90, ये वाली प्रोसेस अभी होगी क्लास में, आप टेंशन मत लो, ये वाली हो जाएगी अभी, नहीं हुई है तो अभी क्लास बची है ना ट्रिग्नोमेट्री की, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप लोग कर लोगे अभी दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोस 36 और 18 की वैल्यू याद रखो और यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू मैंने आपको बता दी है, बिना वैल्यू के काम नहीं चलेगा, फिर से बता रहा हूँ। आगे आप चाहे कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, बहुत सारे चैप्टर आएंगे आगे, फंक्शंस पढ़ोगे, कैलकुलस पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर ये वैल्यूज यूज होती रहेंगी और इसको याद करना है और कोई वो नहीं है इसका, मतलब उपाय नहीं है, यही हल है इसका कि याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पारस चावला संतुष्टि हुई, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भाई टाइम ना थोड़ा कम पड़ रहा है, मेरे को आगे भी कवर करनी है चीजें, तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम आपका एक एनसीईआरटी का कराया था, देखो ऑब्जर्व करो, ये एंगल ए है, ये 2A है, ये 3A, कोई मुझे चैट में बताएगा, जैसे ही 2A 3A दिखा तो मैंने क्या बताया था, क्या करना है, ए 2A 3A तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी वाली क्लास में, हाँ बहुत बढ़िया, कोट वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, ए प्लस 2A इज इक्वल टू 3A लिखो और दोनों साइड 10 ले लो, किसी को याद है मैंने कोर्ट में ऐसा क्वेश्चन कराया था, यस तो नो, कोर्ट वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें मैंने आपको ये भी याद कराया था कि ये वाली चीज आप 10 में भी आएगा, तब भी गलती वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें मैंने कहा था कोर्ट और 10 दोनों में ऐसा क्वेश्चन आता है, और किसी ने मेरे से ये भी डाउट पूछा था कि ऑब्जेक्टिव में कैसा आएगा ये, तो ऑब्जेक्टिव में देखो ऐसा आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अच्छा, इसका भी एक फॉर्मूला किया होगा आपने, यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसी तो याद है इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे, ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे, कैसे हो तो मेरी बात सुनो ध्यान से, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगाओ, कॉपी में होगा आपका, हाँ कार्तिक सैनी ने बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा, अगर ध्रुव ने भी सही लिखा, तो
एक बार फॉर्मूला बता दो भाई, कॉपी में आपके फॉर्मूला होगा ना, तो उस फॉर्मूले को देखना आप लोग। अभी मैं प्रोसेस बताता हूँ, अगर फॉर्मूला भूल दो तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। कोई चैट पेन लिखेगा, तरीका सुनो, ये क्या है cos 7, ये क्या है cos 2 pi by 7 और ये cos 4 pi by 7। देखो यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 4 है, 1 2 और 4, मतलब पहला चल रहा था 2 की पावर 0, अगला चल रहा है 2 की पावर 1, फिर चल रहा है 2 की पावर 2। अगला क्या होता, अगली टर्म ये भी आ सकती थी cos 8 pi by 7, फिर cos 16 pi by 7, 2 की पावर 3 आता, फिर 2 की पावर 4। अगर आपको एंगल मल्टीपल दिखे ऐसे 2 की पावर के, पहला 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो क्या करना चाहिए, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, पहले प्रोसेस देखो। क्या करोगे, कभी भी ऐसी चीज दिखी कि कोस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एंगल के अंदर 2 के मल्टीपल, ये पहले यहाँ पे 2 की पावर 0 था, फिर 2 की पावर 1 बना, फिर 2 की पावर 2 बना, उस केस में क्या कर जाएगा, इस वाले को देखोगे आप पहले कोस पाई बाय 7 को, इसको क्या क्या करोगे, साइन पाई बाय 7 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, साइन पाई बाय 7 से मल्टीप्लाई करोगे और साइन बाय 7 से ही डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे, साइन पाई बाय 7 से ही डिवाइड कर दोगे। अब फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होगा, ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा के साथ अगर 2 भी आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, अगर यहाँ पे 2 लाऊं तो यहाँ पे भी 2 लाऊंगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2 sin theta cos theta which is sin 2 theta which is sin 2 theta, sin 2 theta कितना हो जाएगा, sin 2 pi by 7 कितना हो जाएगा, sin pi by 7, sin 2 pi by 7, अब मेरी बात सुनते जाओ ध्यान से, ये आ गया sin 2 pi by 7, इसका काम कर दिया हमने। अगला क्या दिख रहा है आपको, cos 2 pi by 7, cos 2 pi by 7 के साथ कौन कंबाइन हो सकता है, sin 2 pi by 7 हो सकता है, पर उसके लिए एक एक्स्ट्रा 2 चाहिए होगा, एक और एक्स्ट्रा 2 लगाऊंगा यहां पे, अगर ऊपर एक्स्ट्रा 2 लगाया तो डिवाइड में एक और 2 आएगा, ठीक बात है। अब ये और ये मिलकर कितना दे देंगे, ये दे देंगे साइन 4 पाई बाय 7, और वो साइन 4 पाई बाय 7 किसके साथ कंबाइन होगा, 4 पाई बाय 7 के साथ, एक एक्स्ट्रा 2 ऊपर देंगे, एक एक्स्ट्रा 2 नीचे देंगे, प्रोसेस आ रही है समझ, बताओ ये सुनो, प्रोसेस आई समझ, इसको मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, उसके अंदर दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं, ये देखो ये आपको दिख जाएगा, ये देखो मैंने किया इस cos pi by 7 को क्या किया था, मैंने sin pi by 7 से मल्टीप्लाई किया, किससे, sin pi by 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 लिया, नीचे 2 लिया और sin pi by 7 लिया, sin pi by 7 लिया, फायदा क्या हुआ, देखो फायदा ये चीज कितनी बन गई, ये चीज बन गई साइन 2 पाई बाय 7, साइन 2 पाई बाय 7 बन जाएगी, वो मैंने यहाँ लिख दी साइन 2 पाई बाय 7, और नीचे का एक 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इस साइन पाई बाय 7 को लिख दिया मैंने बाहर यहाँ पे, जितनी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, स्टेप के बाद देखो, ये साइन 2 पाई बाय 7 और कोस 2 पाई बाय 7 को कंबाइन करूंगा तो क्या करूंगा, एक 2 यहाँ पे लिखूंगा, एक 2 नीचे लिखूंगा, नीचे 2 2 मिलके कितना हो गया 4, और ये पूरा मिलके कितना हो गया, ये पूरा मिलके कितना हो गया, साइन 4 पाई बाय 7 हो गया, ये कोस 4 पाई बाय 7 को यहीं पे रहने दिया, इस पाई बाय 7 को मैंने नीचे लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करूँगा, फिर से मुझे ये दिख रहा है, ये भी साइन है, सेम एंगल है, ये भी सेम एंगल है, साइन थीटा कोस थीटा दिख रहा है, एक और 2 की जरूरत है, एक 2 यहाँ लिखूंगा, एक 2 नीचे लिखूंगा, ये मिलके कितना हो जाएगा, साइन 8 पाई बाय 7 हो जाएगा, साइन 8 पाई बाय 7 मैंने लिख दिया, साइन 8 पाई बाय 7, ये 4 और 2 मिलके नीचे कितना आ गया 8, और ये एक्स्ट्रा साइन पाई बाय 7 तो बचा ही, 1 बाय 8 तो है ही, यहाँ तक आ गया। अब मुझे बताओ साइन 8 पाई बाय 7 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन साइन पाई प्लस पाई बाय 7, साइन पाई प्लस पाई बाय 7, ये कितना हो जाएगा माइनस 7 पाई बाय 7, साइन प्लस पाई बाय 7 कितना होता है माइनस साइन पाई बाय 7, सही बात है, फायदा 7 साइन 7 पाई बाय 7 से साइन 7 कटा, ऊपर का माइनस बचा और यहाँ का 1 बाय 8, तो आंसर विल बी माइनस 1 बाय 8, बताओ बात समझ आई, यस और नो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो,
अगर फॉर्मूला है तो डायरेक्टली लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। हाँ, आपका फर्ज है कि आप फॉर्मूले को याद करो, पर अगर फॉर्मूला पेपर में भूल गए तो प्रोसेस तो याद रहनी चाहिए। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, फॉर्मूला भी और ये भी। ठीक है भाई, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/2 की पावर एन, 1/2 की पावर एन साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन 2 की पावर एन थीटा। ये फॉर्मूला आपका एन माने कितनी टर्म्स हैं, एन माने कितनी टर्म्स हैं। देखो एन कितना है, 3। एन कितना है, 3। तो ये कितना बनेगा ऊपर, साइन 8 थीटा। थीटा कितना है, पहला एंगल, सबसे छोटा एंगल, वो कितना है, पाई बाय 7। छोटा एंगल है जो, वो कितना है, पाई बाय 7। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 7 बनेगा। ऊपर 2 की पावर n, 2 की पावर 3 माने 8, 8 पाई बाय 7। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो आंसर आ जाएगा -1/8। क्लियर, आगे बढ़े, यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज याद करनी है, कौन कौन सी सीखनी भी है साथ में। ठीक है, याद करने वाली को तो याद रखना ही है, जैसे साइन 18 cos 36, इसके फॉर्मूले को भी याद रखोगे तो टाइम बचेगा। पर हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आप 5-6 बार लगा लोगे तो हाथ पे चढ़ जाएगा क्वेश्चन, फॉर्मूले फाड़ में गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, बहुत जनता ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 18, भाई पता नहीं क्यों पूछा है, फटाफट इसको डील करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। साइन 4 थीटा सबसे पहले लिख दिया, 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख दूंगा, 2 into 2 sin थीटा cos थीटा। इसको सोल्व किया ही हुआ, मैं सोल्व करा हुआ दिखा देता हूँ, टाइम लग रहा है इसमें। ये देखो, ये देखो, साइन 4 थीटा को लिखा मैंने 2 sin 2 थीटा, साथ में लिखा cos 2 थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद क्या करना है, इस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, फिर से 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4 sin थीटा cos थीटा, फिर cos 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, ऑप्शन दे रखी है आपको, ऑप्शन क्या दे रखी है, पहली ऑप्शन देखो क्या दे रखी है, पहली ऑप्शन आपको 4 sin थीटा दे रखा है। ये क्या है, 1 minus 2 sin² थीटा, बेसिकली ये क्या था, ये था cos 2 थीटा, ये था cos 2 थीटा, और ये क्या है, ये है cos थीटा, ये है cos थीटा। ये चीज यूज हुई है वहां पे, cos थीटा की जगह ये लिख दिया, cos 2 थीटा की जगह ये लिख दिया। हम वहां तो पहुंचे, देखो हम इस स्टेप पे तो पहुंचे हैं, cos 2 थीटा भी अपने पास, cos 2 थीटा को लिख दिया 1 minus 2 sin² और cos थीटा को क्या लिख दिया, अंडर 1 minus sin² काम खत्म, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। बताओ समझ आ गई बात, मिस्टर मिथिल, साइन 4 थीटा था ना, साइन 4 थीटा को लिखा 2 sin 2 थीटा cos थीटा, फॉर्मूला ही होता है अपना 2 sin थीटा cos थीटा, क्या दिक्कत है उसमें। साइन को फिर से लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा को लिख दिया √1 minus sin² cos 2 थीटा का लगा दिया 1 minus 2, तो बस इतना सा काम करना था। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ला रहा हूँ कुछ, अभी मेरे पास 20 मिनट है। अब मुझे बताओ एलिमेंट्री का, पहले एलिमेंट्री क्लियर कर लो, एलिमेंट्री का और कोई क्वेश्चन पूछना है जो भी ना हो, उसके बाद मेन सब्जेक्ट पे पहुंचूंगा। एलिमेंट्री का बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, 12, पहले 5 देख लेते हैं फिर 12 देखते हैं। 5, 5, अरे जनता ने सारी दुनिया को, भाई साहब सारे क्वेश्चन दे दिए भाई, एक भी ना बचा, सारे आ गए, बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, सारी पूछ ली आप लोगों ने तो। रुको रुको, अभी जो कॉमन क्वेश्चन आया है वो मेरे पास आया है, 5 आया है और 19 आया है, कराऊंगा और देखता हूँ कौन सा आया कॉमन। 5, 19, 29, 30, 29, 30। अब शांत हो जाओ, अब कोई मैसेज नहीं करेगा, पहले मुझे कराने दो, पहले मुझे क्वेश्चन खुद से कराने दो, जो मुझे कराने, फिर जो बचेगा उसको देखते हैं, पहले उसको करते हैं एलिमेंट्री के, ये भी तो बचे हैं क्वेश्चन, ये करते हैं पहले।
27, 28, 29, 30 ये बज रहा है, पहले इसको करते हैं। प्लीज आप मैसेज मत करो, टाइम मेरे पास कम है, मेरे को जितना करा सकता हूँ मैं जल्दी कराता हूँ, ठीक है? आप अभी मैसेज मत करो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बाय x, क्या पूछा गया है, x प्लस 1 बाय x क्यूब, x प्लस 1 बाय x। अब मैं हिंट दूंगा, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? x प्लस 1 बाय x और x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब। अब मुझे बात बताओ, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब को क्या लिख सकते हो? अरे सब कराऊंगा ये भाई, मैं चारों करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। x प्लस 1 बाय x होता है 2 cos थीटा, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब चाहिए। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, या फिर आप चैट पे मैसेज करो, मेरे को कराने दो भाई, मैंने बोला ना थोड़ी देर रुक दो, शांति रखो 2 मिनट के लिए। ये रहा देखो, अब मैं थोड़ा बहुत कराता हूँ, देखो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है क्या, x प्लस 1 बाय x की वैल्यू पता है मेरे को, अब मुझे x प्लस 1 बाय x की वैल्यू पता है, फिर से निकालनी है x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू निकालूंगा इसका यूज करते हुए। अब इसका तरीका देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू निकाल इसका यूज करते हुए, मतलब क्या होगा, याद है पहला क्वेश्चन किया था, सारे आंसर एंगल बी में चाहिए थे, तो सारी चीजों को एंगल बी में कन्वर्ट कर दी थी वो टेन वाला क्वेश्चन। अब मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जो चीज दी होती है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो चीज दी होती है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? अब ध्यान से देखो क्या करूंगा, मैंने लिखा मेरा फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला आसान है, सबको याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया ए प्लस बी, ए को क्या माना मैंने, ए को माना मैंने एक्स, ए को माना मैंने एक्स, और बी को माना है वन बाई एक्स, बी को माना है वन बाई एक्स, ठीक है? ए को माना एक्स, बी को माना वन बाई एक्स। अब ये वाली काम तो चल जाएगा, ए प्लस बी तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स, उसकी वैल्यू दे रखी है टू, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हैंडल करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को। अब ध्यान से देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो प्रैक्टिस से आएगा, 9th-10th में अगर आपने एनटीएससी की भी तैयारी है तब तो आप फटाफट कर दोगे, अगर स्कूल भी ढंग से पढ़ा तब भी कर दोगे। देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब एनसीईआरटी भी लगा रखी है तो ये सब कर सकते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, क्योंकि मुझे ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है तो मेरे को सारी चीज ए प्लस बी में लेके जानी है, ठीक है ना? ए प्लस बी दे रखा है और मुझे बताओ ए इंटू होगा, ए इंटू बी होगा वन, क्योंकि ए कितना है एक्स, ए कितना है एक्स, बी कितना है वन बाय एक्स, तो मेरा काम तो चल जाएगा अगर मैं ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दूं क्वेश्चन और ए इंटू बी में कन्वर्ट कर दूं। ए प्लस बी की वैल्यू पता है और ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है वन, पता ही है क्योंकि ए मैंने एक्स माना है, बी माना है वन बाय एक्स, तो ए इंटू बी हर जगह दिखेगा उसको पाऊंगा और ए प्लस बी को टू कोस थीटा लिख पाऊंगा। अब तो मेरा काम आसान हो गया, काम कैसे आसान हो गया, देखो ये देखो जिंदगी आसान करने का तरीका हमने ढूंढ निकाला, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, ए प्लस बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दी, एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये कट जाएगा यहाँ पे, ये अगर कट गया बचा क्या, बचा तो कुछ भी नहीं, अब तो बच्चों का खेल बचा, बच्चों खेल, एक्स प्लस वन बाई एक्स यहाँ पर आ गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा रहने दिया, ये माइनस थ्री आ गया, माइनस थ्री कर दिया, एक्स प्लस वन बाई एक्स वैल्यू टू कोस थीटा, एक्स प्लस वन बाई एक्स के टू कोस थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर कोस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, आगे सोल्व कर लोगे। बताओ समझ आया, हाँ? अरे बहुत सारे तरीके हैं करने के, तरीके बहुत सारे हैं, आप जैसा मर्जी कर सकते हो। बेसिकली करना क्या था क्वेश्चन के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी में कन्वर्ट करना है, आप शक a प्लस बी का होल क्यूब लगा के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इनडायरेक्टली वही लगाया है, मर्जी आप a प्लस बी का होल क्यूब लगा के मॉडिफाई करो या मेरे वाला तरीका लगाओ, जैसे मर्जी करो, आपका तो काम ही होना चाहिए कि a प्लस बी और a इंटू बी में आ जाए। तरीका क्या होना चाहिए, a प्लस बी और a इंटू बी में कन्वर्ट कर दो, यस और नो, समझ आया कि नहीं? आगे तो क्या होगा, आगे तो कुछ भी ना बचा, आगे तो फॉर्मूला बन गया ना भाई मेरे, इसको 2 cos थीटा लिखा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, cos थीटा को मैं अंदर ले गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा कितना होता है cos 3 थीटा, काम खत्म, ऑप्शन में देख लो आंसर मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, चार क्वेश्चन और हो पाएंगे। 29
अब मुझे एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम कह रहे इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इसका ग्राफ बनाओ और मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से। कह रहे कि जैसे मान लो कोई ग्राफ है मेरे पास, मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, कोई मान लो कोई ग्राफ है, रेंडम ग्राफ बना दिया, मैंने कहा एक्स एक्सिस से मैक्सिमम दूरी बताओ इस ग्राफ की कितनी है। एक दूरी ये निकाली, फिर ये दूरी निकाली, फिर ये दूरी निकाली, फिर एक टाइम पे ये दूरी निकाली, ये दूरी आपको सबसे ज्यादा दिख रही है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो मतलब ये वाला एक्सपुट किया, ये वाला एक्सपुट किया तो आपको वाई कौन सा मिला, ये वाला एक्सपुट किया तो वाई कौन सा मिला, ये इस एक्स के लिए वाई कौन सा मिला, ये इस एक्स के लिए वाई कौन सा मिला, ये वाला। तो डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट मिल रहे हैं, डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई मिल रहे हैं, तो करना क्या है मेरे को। वो कह रहे हैं कि इसका ग्राफ बना दो, इस ग्राफ को बनाएंगे तो मुझे कोई बता सकता है इस ग्राफ की जो y की वैल्यू आएगी, y माने रेंज, रेंज कहां से कहां तक आएगी इसकी, 29 में y की रेंज कहां से कहां तक आएगी, रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका फॉर्मूला होगा ना डायरेक्ट, ये देखो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की रेंज आपने की होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री प्लस वन, तो माइनस यहां से लेके अंडर रूट थ्री प्लस वन तक जाएगी रेंज, कितनी आ जाएगी, माइनस रूट फोर से रूट फोर, विच इज माइनस टू से टू। इसका मतलब क्या पता चला, क्वेश्चन नंबर 29 का जो ग्राफ है, जैसे मैंने अभी एक रेंडम ग्राफ बनाया था ना, जिसकी वैल्यू ऐसे ऊपर नीचे जाई जा रही है, तो कभी वाई की वैल्यू ऐसे हो रही थी, कभी ऐसे हो रही थी, कभी ऐसे हो रही थी, कभी ऐसे हो रही थी, तो जो सी मैक्सिमम दिख रही थी वो मैं बोल रहा था, इस ग्राफ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखेगी, वाई की वैल्यू मैक्सिमम दिखेगी टू। मतलब इसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा, इसका ग्राफ किसी ना किसी जगह पर टू दिखा रहा होगा आंसर, और किसी जगह पे माइनस टू दिखा रहा होगा, तो जहां पे मैक्सिमम आंसर दिखा रहे टू, वही तो एक्स एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, यस और नो। बात समझ आई, ग्राफ बनाया, ग्राफ की हमें पता होनी चाहिए ना वाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, जितना ज्यादा वाई उसका डिस्टेंस एक्स से उतना ज्यादा। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि वाई की रेंज निकाल लो, वाई की रेंज निकालने से वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वही तो एक्स एक्सिस से सबसे ज्यादा दूर है, वो बात आ रही है समझ। तो मैंने अभी निकाला क्वेश्चन नंबर 29 में रेंज निकाली, क्या आई, माइनस टू से टू, मतलब इसका जो ग्राफ बन रहा है वो वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है, टू से लेके माइनस टू तक ले रहा है, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी जा रही है, टू की जा रही है, यस और नो। नहीं, इसका आंसर बताओ पहले, बाकी आगे तो अब बाद में बताऊंगा, ये समझ आया कि नहीं आया। मैं फिर से बता देता हूं, वो कह रहा है कि ग्राफ का मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना, ग्राफ की जो सबसे ज्यादा ऊंचाई होगी उसी की मैक्सिमम दूरी होगी एक्स एक्सिस से। ये ग्राफ कोई ऐसा है नीचे जा रहा है, ये ऊंचाई कितनी है, मान लो ये वन है, ये फाइव है, तो मैक्सिमम ऊंचाई कितनी, फाइव, मैक्सिमम आंसर कितना था, फाइव, जो मैक्सिमम आंसर उतनी दूरी है एक्स एक्सिस से, तो इस वाले का मैक्सिमम आंसर कितना है, टू। जब भी ग्राफ बनेगा इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना, टू, मिनिमम कितना दिखेगा, माइनस टू, तो टू की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी एक्स एक्सिस से, टू आ जाएगी, तो इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस टू हो जाएगा, है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे चल जाना, कैसे करोगे, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, पहली बात तो इन दोनों को मैक्सिमम कंबाइन कैसे कर दोगे, रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू से डिवाइड कर दो, ठीक है, एक में कन्वर्ट हो जाएगा, एक में कन्वर्ट होकर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखती होगी, वहां एंगल निकाल लोगे, ये आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा इसको भी। हाँ ठीक है, ऑप्शन से कर दिया, पर ऑप्शन से आप खुद सोल्व करो ना इसको, पहले रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड करके फॉर्मूला बनाओ इसको, वन बाय रूट टू बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी रूट टू
रूट टू और साइन समथिंग बन जाएगा, रूट टू इंटू साइन समथिंग बन जाएगा। ये एंगल जो भी बनेगा पूरा, ये एंगल कितना होना चाहिए, पूरा का पूरा पाई बाय टू रख देना, ये पूरा का पूरा एंगल पाई बाय टू, तब आंसर मैक्सिमम आएगा। यस और नो? डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। अब मेरा फंडा सुन लो इसको करने का, पारस तुम्हारा बहुत देर से डाउट चल रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑप्शन से नहीं करोगे, ऑप्शन से नहीं करोगे, किससे करोगे, दिमाग से करोगे। दिमाग कैसे लगाओगे, चुपचाप मेरी बात सुनो। मेरी बात कैसे सुनोगे, ऐसे सुनोगे, देखो रूट से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, वन बाय रूट टू से डिवाइड कर दिया, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको ये चीज बहुत बार करी होगी आपने, जब रूट टू से डिवाइड दो, ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, साइन ऑफ एंगल में बन जाती है। क्या बन जाएगा, साइन ऑफ समथिंग आ जाएगा, साइन ऑफ समथिंग आ जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा एंगल आ जाएगा क्योंकि पहले ही एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स दिया हुआ है, तो एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स प्लस फाइव बाय फोर आ जाएगा, प्लस फाइव बाय फोर, मान तो इस बात को, एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स प्लस फाइव बाय फोर आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, पूरा करा ही रहा हूं मैं आपको, रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, ये चीज बन जाएगी। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, वो कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, रूट टू आ सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, रूट टू आ सकती है, क्या आ सकती है, रूट टू। रूट टू कब आएगी, जब साइन की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, जब साइन की वैल्यू वन होगी। ये साइन की वैल्यू कब वन होगी, वन, ये जब पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल ये कितना होगा, पाई बाय टू होगा, क्योंकि साइन पाई बाय टू ही तो वन होता है, बात आ रही समझ। तो क्या करोगे, एक्स प्लस पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय फोर इक्वल टू पाई बाय टू कर दोगे, उससे एक वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? ध्रुव, रुद्र, बात समझ आई? नहीं आया समझ अभी भी कईयों को, मेरी बात सुनो। आपने ये चीज पढ़ी होगी, देखो ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर थीटा प्लस कोस थीटा होता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आप क्या करते हो, मेरी बात सुनो ध्यान से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा करते हो, इसको कंबाइन करना, तो क्या करोगे, रूट टू मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, रूट टू से डिवाइड, रूट टू से डिवाइड, ये करते हो, सब मानते हैं इस चीज को। कितना आ जाता है, रूट टू साइन, रूट टू साइन, वन बाय रूट टू की वजह से कितना एंगल लेते थे, पाई बाय फोर, प्लस थीटा, प्लस थीटा लेते थे, ये समझ आ रही होगी बात। अब ध्यान से देखो, थीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा की शक्ल क्या है, थीटा की शक्ल दे रखी है एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स, तो इस थीटा की जगह यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स ये आ जाएगा, और पूरा अपना ये बन गया। वो कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, मैक्सिमम आ सकती है रूट टू, वो कब आएगी, ये पूरा का पूरा साइन कितना होगा, ये पूरा का पूरा साइन कितना होगा, वन होगा। ये पूरा का पूरा साइन वन कब होगा, ये भी पूरा का पूरा अंदर का एंगल पाई बाय टू बनेगा। पूरा एंगल कितना है, पाई बाय फोर प्लस एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स, पूरा एंगल कितना रख दोगे, पाई बाय टू, सोल्व करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ जनता, समझ आ गई सारों को? सर ये किसी और तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं क्या भाई, कोस कहाँ गया, अरे फॉर्मूला लगाया ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कॉपी रिवाइज करो, कॉपी को रिवाइज करो, उसके अंदर पक्का किया होगा जब आपने रेंज वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। सर हर बार रूट टू से ही करेंगे क्या, हर बार नहीं करेंगे, अगर यहाँ फोर कोस थीटा होता, फोर कोस थीटा प्लस थ्री साइन थीटा प्लस थ्री साइन थीटा, तो क्या करते, डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। सर इसको कोस से भी कर सकते हैं, हाँ कोस से भी कर सकते हैं आदित्य, कोस से भी किया जा सकता है, तो कोस ए माइनस फॉर्मूला यूज करोगे उस टाइम, कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। सर ये किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं साइन और कोस के लिए यूज होता है सिर्फ, ये वाला फॉर्मूला जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला रेंज वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस के कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि डेरिवेशन उसके लिए थी ना, ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को हमने डिवाइड किया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कोस थीटा बना था, वो साइन थीटा बना था, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला बन जाता है ना फिर। सर खाना खाना है, अरे ये कैसा क्वेश्चन, मैं बताऊं इसका, खाना साथ में ले आओ, खाना वीडियो भी देखो, पांच मिनट बचे, ठीक है पांच मिनट बचे ना, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब मैंने आपको तीन क्वेश्चन और करा दिए वाले, तो लंबी क्लास ले लो, लंबी क्लास, अरे इसके बाद और भी तो क्लास है आपकी, रुको
ये सारे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। मैंने 27 भी करा दिया, 28 तो है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, रूट टू। ये तो जब बच्चा भी कर लेगा, सपने में भी कर सकते हो इसको। और देखो और डिस्कस करते हैं, दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, पांचवा और बारहवां, बच्चों के पांचवे और बारहवें पे। अब यहां से देखो, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, क्लियर कर लेते हैं। ये आखिरी एंगल कितना है, कुलाएगा कितना है आखिरी एंगल, ये 89। ठीक है ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब शांति रखो। देखो log tan 1, मेरी बात सुनो बस, अब log tan 1, चैट में मत बोलो कोई, log tan 1 और आखिरी वाला log उठाओ, ये कितना बनेगा, log tan 89 ये बनेगा। कोई मुझे बता सकता है tan 89 को क्या मैं cot 1 लिख सकता हूँ, tan 89 को क्या cot 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। इससे फायदा इन दोनों पे अब क्या करूंगा, प्लस है, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो क्या लगा दूंगा, m प्लस n, log m प्लस n, तो क्या बन जाएगा, log log tan इंटू cot, tan cot कट जाएगा 1, तो log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0। तो मैंने जब 1 और 89 को कंबाइन किया, 1 और 89 को कंबाइन किया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 0। सिमिलरली 2 और 88 को कंबाइन कर सकता हूँ, 2 और 88 को कंबाइन करूंगा तब भी 0 आएगा, क्योंकि 88 वाला भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 और 87 वाला, ऐसे ऐसे सारे कंबाइन करते जाओ, सारे के सारे कंबाइन कर, बात आई समझ, कर लोगे। बीच में जो 1045 बचेगा वो भी बंद होता है, तो वो भी 0 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, फटाफट बताओ, इस बार नाइन्थ बताता हूं, आंसर आ जाएगा e की पावर 0 भी 1, e की पावर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा फिर, क्योंकि ऊपर सारा 0 बन जाएगा, ऊपर सारा 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1। अब नाइन्थ क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, तेजस कोई बात नहीं, अगर दूसरे से किया तब भी ठीक है यार, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया, अगली बार से भी मैं सारी बता दिया करूंगा। एट्स का हिंट ले लो, चलो फटाफट एट्स का हिंट लो, ये पाई बाई एट है और ये 7π/8 है, पाई बाई एट और 7 का सम कितना होता है पाई, पाई बाई एट और 7π/8 का सम कितना होता है पाई, तो क्या करोगे, 7π/8 को पाई में कन्वर्ट कर लोगे, 7π/8 को भी पाई बाई एट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, ये हिंट है। 3π/5 को 5π/8 में बदल दोगे, क्योंकि 3π + 5π भी कितना है पाई, ये हिंट है इसका, आगे आप लोग सोल्व कर लेना। नेक्स्ट 9, पारस क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पारस मेन डाउट है, देखो साइन ए क्या कह रहे हैं, वो 1/√10, साइन भी कह रहे हैं 1/√5, और कह रहे हैं दोनों एंगल एक्यूट हैं, दोनों एंगल एक्यूट हैं, अगर दोनों एंगल एक्यूट हैं तो क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, निकाल लेते भाई, अगर एक्यूट है तो माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चलो कोई बात नहीं सुन लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, उसके बाद देखो क्या करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, साइन ए प्लस बी का जब फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए दिया हुआ है तो कोस ए निकाल लो, साइन बी दिया हुआ है तो कोस बी निकाल लो, तो साइन ए भी आ जाएगा, कोस ए भी आ जाएगा, साइन बी दिया हुआ तो कोस बी आ जाएगा, जिसकी वजह से साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ वो इसी में, वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए दिया हुआ तो कोस ए निकाल लो, यहाँ से साइन बी दिया हुआ तो कोस बी निकाल लो, पूरा निकाल के यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इस आंसर को देख के आप बी की वैल्यू बता दो। डन,